साथ लिख दिया है अब ये नाम टूटे ना। मैनू हज मिलया रज रज मिलया मैनू जब मिलया है तू मैनू सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होने और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम के बाद मैं फिर से आप लोग के साथ मिल रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स हैं कि आप व्लॉग नहीं बनाती हो या इतनी बिजी होती हूँ। आज भी अभी 3 बजने वाले हैं, अब जाके मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रही थी क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है। तो और बाकी जो बाहर मौसम ख़राब है तो फिर सामान वगैरह अंदर, क्योंकि मम्मी जी भी नहीं है, सासू माता भी गए हैं, तो मैं अकेली थी, तो इसलिए सुबह से अभी तक बिजी हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ देख सकते हो, अभी जस्ट ना कर आई हूँ। और आज है एनिवर्सरी, और थैंक यू सो मच टू ऑल माई फैमिली फ्रेंड्स, वट एवर जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इतना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना आप लोगों ने मुझे विश किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच। तो हाँ जी, आज है एनिवर्सरी का व्लॉग, मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो भी रहेगा सब कुछ शेयर करूँगी। और एक और बात, आज डबल खुशी है क्योंकि आज मेरे पापा भी आ रहे हैं, मतलब मेरे पापा मेरे अपने पापा आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं सर्दियों में, जैसे मैंने शादी कर दी है तो हमारा बंठो कहते हैं, तो बेटी को आटा तेल लेकर आते हैं, तो चाचू और पापा भी आ रहे हैं और उनका भी आज ही आना बना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है एनिवर्सरी है। साथ में मेरे पापा भी आ रहे हैं और चाचू भी आ रहे हैं, तो फिलहाल अभी मैं एकदम से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि जो मेरी कज़न है वो आने वाली है। मैंने उसको बोला, हमने अभी मार्केट जाना है, केक वगैरह का ऑर्डर दिया है, तो वो लेकर आते हैं और कुछ सामान लेकर आते हैं, तो मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और मैं आपको अपनी कज़न से मिलाऊँगी। अभी वो आ रही है तैयार होकर, तो तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। सो ये रही बुआ की बेटी कज़न, तो ये भी आजकल सोलन से आई है, तो यहाँ पर अभी अब हम लोग चल पड़े बाज़ार की तरफ। और ये फ़ोन में बात कर रही थी तो मैं थोड़ा सा आगे से शूट कर रही थी। अभी हम फाइनली केक लेने जा रहे हैं और ये है मेरी कज़न रवीना। ठीक ठीक से सुंदर लग रही तू। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और पापा और चाचू भी पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग केक लेने जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। सो फाइनली हम लोग बेकरी पहुंच चुके थे और अभी देखते हैं कि केक रेडी है कि नहीं है। खाने भी गए थे, उसका आपको बाद में दिखेगा, तो ये थोड़ा मैंने क्लिप आगे डाल दिया है। केक लेने के बाद हम लोग पिज़्ज़ा खाने गए थे, काकी मैं और रवीना, तो ये अभी बाद में दिखाऊंगी कि कहाँ गए थे, तो ये थोड़ा क्लिप अभी मिक्स हो गया था। और ये केक हो चुका है रेडी, नाम वगैरह लिख लिया है, तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और वहाँ पर वो बना रही थी, तो अभी हम केक लेते हैं फटाफट और उसके बाद हम लोग जाएँगे पिज़्ज़ा खाने। बहुत टाइम से मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो रवीना भी थी और काकी, तो तीन थे, तो मैंने सोचा कि ना हम पिज़्ज़ा खा ले। अब इस बात है नीचे दिल छोड़ो। ओ एस एच एच डबल ई एन मेरे दिल लाल कलर का लगाना ना। दिल लाल होता है? हाँ जी लाल होता है दिल। दिल लाल ही होता है। नहीं नहीं भैया। वाह ये बना दे। मेरे
पति और मेरा। हाँ जी वही बोल रहा हमारा। हाँ जी और तेरे इसमें पता कितना ब्राइट आ रहा है, ये देखो रवीना सेकंड ब्लॉगर। मैंने भी सोचा है बनाते। फाइनली केक हो चुका है पैक, रवीना यहाँ पर आके सीधे लड्डू खिला दो बोला। भैया का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, उनने मुझे भी एक लड्डू दिया। आपका बेटा है भैया? भैया आपको बेटा है? तो बोलते हैं सर फोन तो पड़ोसी जो मुर्गी वाले नहीं है। हाँ जी मेरे पास रहता। अच्छा हटाओ जल्दी जल्दी हटाओ यार, जल्दी हटाओ यार, देख लो ना फिर आपको फेमस कर दूंगी। मास्क तो पहना है आपने। So, अभी हम लोग आए हैं पिज्जा खाने। नहीं पता है पिज़्ज़ा खाने के बाद हम आ चुके थे शॉप में, और मैं अपनी दुकान से यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी वाला उठा रही थी। तो यही फ़ायदा होता है जब अपनी शॉप होती है, तो फिर अभी सामान ले लेते हैं और डायरेक्ट घर की ओर चलते हैं। और फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे, और अभी पहले हम लोग यहाँ पर डेकोरेशन करेंगे, उसके बाद जाकर ही हम क्या कहते हैं खाना वगैरह बनाएंगे, डिनर बनाएंगे। तो पहले हम लोग डेकोरेशन करने का सोच रहे, तो अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लगाए, तो आइडिया वगैरह दे रहे थे एक दूसरे को कैसे लगाना है क्या करना है। चलो बताना कि मैं कैसे लग रहा हूँ। पीछे देखो इन लोगों ने क्या किया था, सारा गिर गया है। तो थोड़ी देर में केक कट करेंगे, और म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पर सेट कर दिया है। तो अभी सबको बुलाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। Thank you.
जब मिलिया जब तू मिलिया मैनू मैनू हज मिलिया रज रज मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू रब मिलिया मैनू सब मिलिया मैनू जब मिलिया है तू मैनू हक मिलिया रूह तक मिलिया मैनू जब मिलिया है तू तेरा होना एक सपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे ओ सोने
सेलिब्रेशन सब कुछ हो चुका था, तो अभी हम लोग पेट पूजा करने आए। मम्मी पापा चाचू वगैरह ने तो खा लिया था, बस हम लोग बच गए थे। हमने सोचा क्यों ना पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाकर हम लोग डांस वगैरह करेंगे। और बाहर बर्फ भी पड़ रही थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बहुत मज़े किए, बहुत इंजॉय किया, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मतलब जब अपनों के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, हल्की हल्की पड़ रही है, और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी थी। अब हम लोग डांस करने जाने वाले थे, तो मैं आप लोग को दिखा रही थी कि थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है। कोको तो गायब था, पता नहीं कोको कहाँ गया था। मैं कोको को देखने आई थी क्योंकि उसको भी खाना देना था, और अब जाकर हम लोग डांस करने जाएंगे। Yeah.
हे एवरीवन, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने आप लोग को थोड़ा रात को दिखाया था, तो मैंने सोचा कि ना मैं सुबह का भी क्लिप बना दूँ। तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ गई है और मौसम स्टिल ख़राब है, क्या पता और भी पड़े। तो अभी मैं थोड़ा पड़ोस तक जा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को व्यू दिखा रही थी कि यहाँ देख सकते हो कल रात को बर्फ़ पड़ी है, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी पड़ी है। सो मैं बहुत ही जल्द क्या कहते हैं अपना एनिवर्सरी वाला ब्लॉग एडिट करूँगी, उसी के साथ इसको भी डालूँगी। अगर प्लीज़ आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ 2 लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।